भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटर मनियाटी मोर्चा गुरदीप सिंह खालसा अपने दीगर साथियों के हमरा हाल ही में पुंछ में तैनात हुए एसएचओ से उनके दफ्तर में मुलाकात हुए। पुंछ में किया वाले हाना इस्तकबाल बुड्ढा अमरनाथ यात्रा और 15 अगस्त के हवाले से हिफाजती इंतजाम पर किया तबादले ख्याल। देखेंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा आज़ादी का 75 साल हो रहे हैं, आज़ादी का महाउत्सव जो बनाया जा रहा है, उसके लिए भी हमने बात की कि किस तरीके से अच्छे से वो दिन जो है हमारे आज़ादी के महाउत्सव जो पूरे आप देश में देखें, दिल्ली से लेके आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसके लिए भी बात की कि वो भी तिरंगा जो हमारा प्रोग्राम है हर घर तिरंगा। सुंदरबनी में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का किया जा रहा है वालिहाना इस्तकबाल। यात्रा पर आए हुए यात्रियों ने कहा कि ये यात्रा आलमी सतह पर कामयाब हो रही है। जो ये यात्रा पांचवें दिन की यात्रा निकली है, हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो ये बाहर से यात्री आए हुए हैं, इनके लिए ये यात्रा मंगलमय हो, आनंददायी हो, हमारी सबकी ये शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में और इस यात्रा को राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास का आज यहाँ हमारे सामने प्रमाण है कि आज संपूर्ण देश भर से ये यात्रा पुनः और उसी रूप में आ चुकी है और देश भर के यात्रु और शिव भक्त इस यात्रा में आकर आनंद लेते हैं। ये यात्रा नितांत आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास अच्छे हैं कि हमारे इस पावन धरती पर सुंदरबनी में जहाँ पे दूर दूर से आज लोग यात्री आ रहे हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराई से जहाँ पे जो बजरंग दल और बीएचपी जो विश्व हिंदू पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो खर्च है वो हमारा धर्म। नौशहरा में भी बुड्ढा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों का किया जा रहा है इस्तकबाल। खाने पीने के अशिया के अलावा यात्रियों को तिब्बी सहूलियात भी की। नौशहरा बस अड्डा पर शहरियों का एहतजाज बीडीसी अरुण शर्मा के खिलाफ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर किया गम और गुस्सा का इजहार। कार्रवाई का किया इंतजामिया से मुतालबा। अगर अपनी नहीं है, किसी समाज की नहीं है, किसी चेयर पर बैठे हो, आने वाले 5 साल के बाद कोई और न्यू चेयर पर बैठेगा। अरे हम मरीजों को ऊपर उम्र संख्या देंगे कि क्या कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे हम। बात करके इसमें जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। मेरी यही आपसे अपील है कि आप जो है पूरा अपना पेशेंस प्राप्त हुए, आप जो है सिस्टम पे जो है वो भरोसा रखें। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने हाल ही में हवाई जहाज के हादसा में शहीद होने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल के लवाहिकीन से आरसपुरा में पहुंचकर की मुलाकात किया। खराज तहसीन पेश। छोटी सी आयु में
गाथाएं लोग सुना रहे हैं। हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि एक छोटी आयु में ही वो इस दुनिया से चल बसे। ये परिवारजनों को तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन देश को, हमारी वायुसेना को, हमारी सेनाओं के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति। FAA के कामयाब उम्मीदवारों का एहतजाज 20वें रोज भी रहा जारी। सुनील डिंपल ने कहा, एक रोजा भूख हड़ताल है, अगर सिलेक्शन लिस्ट जारी न की गई तो अवामी एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, सड़कों के ऊपर भूखे प्यासे बारिश में हुमस में बीमार हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। एलजी साहब और ना ही उनकी इंतजामिया जम्मू कश्मीर सरकार इनकी बात को सुन रही है। और इन बच्चों का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। इनकी तकलीफों को देखते हुए, इनके दर्द को देखते हुए, इनके माता पिता के, इनके परिवार के लोगों के दर्द को बांटने के लिए आज मुझे यहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर साबिक नायब वजीर आला कुविंदर गुप्ता ने FAA के उम्मीदवारों से की मुलाकात, कहा स्क्रैप हल नहीं है, जेके SSB से FAA फहरिस्तें जारी करने का किया मुतालबा। ये गलती नौजवानों की नहीं है, ये किन लोगों की गलती है? कौन लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन के बैठ करके इन चीजों को लटकाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा पूरा प्रयास है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी दी जाए। और मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी को भी कहना चाहता हूँ कि इनकी लिस्टें जल्दी से जल्दी निकाली जानी चाहिए। हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, इन बच्चों की जो भी है हम नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होंगे। जो है वो पहुंचे आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आए तो है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षवर्धन ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय जनता पार्टी मुल्क के तिरंगे का कारोबार कर रही है, कहा ये तिरंगा हमारी शान है, हम सब पर इसका एहतराम वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तिरंगे का व्यापार कर रही है, कल देश को बेचेगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने पहले से ही कर दी है। क्योंकि मुल्क की बहुत सारी धरोहरें पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बेच दी है। ये बहुत अजीब लगता है कि अब तिरंगे की सेल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लग रही है और 30-30 रुपए में वो झंडे को बेच रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। ये नेशनल फ्लैग की इंसल्ट है, दिस इज डेसिक्रेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग। तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक, हमारा गौरव है तिरंगा, हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए PHE के आरजी मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज, चीफ इंजीनियर के दफ्तर का घेराव करके किया गमगुसार का इजहार, तमाम मुलाजमों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। डोडा से आप कहां से? थौर से है। आप कहां से? रामनगर से। आप कहां से? रामबन से। आप कहां से? उधमपुर से। उधमपुर से आए। आप कहां से? जम्मू से ही हैं। आप कहां से आए? बड़गामा से। कितनी देर से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए इस डिपार्टमेंट? जो मोदी सिंह जी है ना, जो जब से आया है इसने और काम किया है मोदी जी ने। हम नहीं बोलते हैं अनपढ़ू, मोदी जी ने हर काम किया है। इस जम्मू में भी किया उसने, थोड़ा कश्मीर में भी किया, हमारे गांव में भी किया। हम बोल रहे हैं मोदी जी को हम मानते हैं। तो देख सकते हैं आप कहां से आए? जम्मू से ही। तो देख सकते हैं कि इस तरह से काफी ज्यादा तादाद में डेलीवेजर्स यहां पर पहुंचे हैं। जो कांग्रेस लीडरान ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस ने 75वां यौम आजादी बड़ी सतह पर मनाना है और 5 अगस्त को पैदल मार्च किए जाएंगे। कांग्रेस
अशोक शर्मा जी हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, योगेश सहनी साहब फॉर्मर मिनिस्टर, और आप सब साथियों का शुक्रिया। आज आपसे कोई दो हिस्सों में हमारी बड़ी वार्तालाप होगी। नंबर एक तो हमारा पार्टी प्रोग्राम आने वाले पछवाड़े में जो मुल्की सरकार का प्रोग्राम है, और जो जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे जिला इकाई मेंडर में आम आदमी पार्टी के लीडर सफीर अहमद चौधरी का खैर मकदम किया गया। पार्टी को मजबूत बनाने पर हुआ तबादले। बहुत बढ़िया वेलकम हुआ। सबसे पहले तो मैं जितने भी साथी जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई इतने जोग के निकल के आए, इन्होंने इस्तेमाल किया आम आदमी पार्टी को आज बेस्ट।